सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप 2023 में न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हो तो उस पर वीडियो कैसे अपलोड करें सही तरीका से, क्या सही तरीका है वीडियो अपलोड करने का। अगर आप लोगों को नहीं होता है न्यू अपडेट में वीडियो कैसे अपलोड करें जिससे आपका वीडियो तेजी से वायरल होगा, तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें न्यू अपडेट में यानी कि 2023 में जिससे आपका वीडियो तेजी से वायरल होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही न्यू यूट्यूब टिच वीडियो आप लोगों को आता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने फोन में आ चुका हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब में आ जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल में सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पर मैं प्रोफाइल में आ गया हूँ एंड इसके बाद मैंने अपना चैनल यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट ए शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा एंड इसके बाद अपलोड ए वीडियो एंड गो लाइव टुगेदर। तो आप लोगों को अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा अपलोड ए वीडियो, आप लोगों को अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर लेना है एंड आप लोगों को यहाँ पर कोई सा वीडियो एक चूज कर लेना है जो आप लोगों को अपलोड करना है। मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चूज कर लिया हूँ वीडियो एंड यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर फिर से चार ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर साउंड, टेक्स्ट, टाइमलाइन, फिल्टर कोई सा भी वीडियो एडिट कर सकते हो यहाँ से भी। एंड इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइटल दे देना है, जो भी टाइटल देना है, सॉन्ग का ऑप्शन, मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ। हैशटैग जरूर ही लगाना है ताकि आप लोगों का वीडियो शॉर्ट फीड में जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों का हैशटैग लगाकर शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, हैशटैग शॉर्ट, इसके बाद शॉर्ट एंड इसके बाद ज्यादा वायरल करने के लिए आप लोग यहाँ पर ट्रेंडिंग लिख देना है, हैशटैग लगा के ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग इतना करने के बाद आप लोगों को कमेंट वाला ऑप्शन में आकर कमेंट ऑलो कमेंट कर देना है ताकि आप लोगों के वीडियो पर कोई कमेंट कर सके इसलिए। एंड इसके बाद हम लोगों को इतना करने के बाद आप लोगों को सेलेक्ट ऑडियंस पर आ जाके हमें यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नीचे वाला ऑप्शन में क्यों क्लिक करना है, सो आप लोगों को नीचे वाला ऑप्शन में इसलिए क्लिक करना है ताकि आपका अगर वीडियो बच्चा से रिलेटिव नहीं रहेगा तो आप लोगों को नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप लोगों का वीडियो बच्चा से रिलेटिव रहेगा तो आप लोगों को ऊपर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड हमें बाय आ जाना है एंड इसके बाद आप लोग वीडियो अनलिस्ट ही रहने देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत ही सारे यूट्यूबर मिस्टेक क्या करते हैं, यहीं से ही वीडियो पब्लिक कर देते हैं। ये मिस्टेक आप लोगों को कभी नहीं करना है, इससे आप लोगों का वीडियो वायरल नहीं होगा। हमें वीडियो को अनलिस्ट रहने देना है एंड हमें यहाँ पर सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पर अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर लेना है, अपलोड शॉर्ट्स पर, एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे लाइव रेडी, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा योर वीडियोस कंप्लीट, अपलोड कंप्लीट, यहाँ पर आप क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, वो अपलोड हो चुका है एंड इसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन में आना पड़ेगा जो कि आप अगर आप यूट्यूबर हो तो आप YT स्टूडियो का नाम जरूरी सुना होगा। इससे आप लोगों को बहुत ही कंटेंट में रहना है, यहाँ पर बहुत ही काम आता है YT स्टूडियो का। तो आप मैं अपने YT स्टूडियो में आ जाता हूँ और आप लोगों को YT स्टूडियो नहीं आता आप लोगों को प्ले स्टोर से YT स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है जो कि यूट्यूब से रिलेटिव होता है। तो मैं यहाँ पर अपने YT स्टूडियो में आ गया हूँ एंड यहाँ पर अपना कंटेंट में आ जाना है। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पर आप शॉर्ट में क्लिक कर देना है। शॉर्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया था वो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ गया है। एंड यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से वीडियो एडिट करना है अच्छी तरीके से, जो कि मैं वहाँ नहीं कर पाया था अच्छा तरीके से। यहाँ वहाँ पर अनलिस्ट करके वीडियो यहाँ पर रख दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर एडिट करने के लिए हमें पेंसिल पर क्लिक करना होगा। पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइटल में हम जो भी कुछ लिखे हैं यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट करके सब कुछ यहाँ पर हमें कॉपी कर लेना है एंड वही सब कुछ हमें डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। याद रखना है जो कुछ भी टाइटल में लिखेंगे वही डिस्क्रिप्शन में भी देंगे एंड यहाँ पर जिससे भी रिलेटिव आपका सॉन्ग रहेगा वही हम फिर से यहाँ पर शॉर्ट लिख देंगे। शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग वायरल, यहाँ सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंड आप लोग यहाँ से बैक आ जाना है
एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा होगा जो हम पहले ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए थे ऑडियंस। इसके बाद आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा टैग वाला ऑप्शन यहाँ पर, इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है, जो कि आप लोगों का अगर टैग अच्छा रहेगा तो आप लोगों का वीडियो 100% ही वायरल होगा। तो मैं यहाँ पर टैग अपना अच्छी तरीके से ले लेना है वीडियो में, जो कि हमें फर्स्ट टैग लेके आ लेना है, हमें टाइटल वाला ही फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड हमें ये टैग में भी यही दे देंगे। अगर आप टैग में जो चीज़ देंगे आपका सब पब्लिक सर्च में आने लगेगा तो आपका वीडियो 100% ही वायरल होगा। एंड मैं यहाँ से कुछ कुछ टैग ले लेना है जो कि हमें YouTube पर आ जाना है एंड यहाँ पर जिससे रिलेटिव आपका वीडियो रहेगा वो हमें सर्च करना है। मैं अपलोड किया हूँ, उससे रिलेटिव जो भी सॉन्ग है वो मैं यहाँ पर YouTube पर सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च कर ले जाऊँ माही वे, जो कि मेरा सॉन्ग था। तो मैं यहाँ पर माही वे सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। जितने भी कीवर्ड यहाँ पर आएगा उस सभी को कॉपी कर लेना है, माही वे स्टेटस, माही वे सॉन्ग, माही वे वीडियो, जितना भी कॉपी यहाँ पर टैग वाला ऑप्शन में आएगा वो सभी को कॉपी करके टैग वाला ऑप्शन में दे देना है आप लोगों को। अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 5 से 10 टैग अच्छे वाला लेकर अपने वीडियो में टैग वाले ऑप्शन में दे देना है। इससे आपका वीडियो क्या करेगा, जो आपका वीडियो जो अपलोड रहेगा वो आपका वीडियो सर्च में आएगा तो वीडियो आप लोगों का पब्लिक जो है क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपको व्यूज आएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एंड इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ हो गया तो आप लोगों को यहाँ पर अनलिस्ट के बाद आप लोगों को पब्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का वीडियो पब्लिक के पास चला जाएगा। अगर आपका टैग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अच्छा रहेगा तो आप लोगों का वीडियो जरूर ही वायरल होगा और ऐसे ऐसे यूट्यूब रिलेटिव टीचिंग वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।